सुल्तानपुर में ससुराल पहुंचे पति ने पत्नी ससुर साली समेत 6 लोगों पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया। शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीण ने किसी तरह आरोपी पति को पकड़कर पेड़ से बांध दिया और पुलिस को सूचना दी। आनंद फान ने पहुंची पुलिस ने सभी को जिला अस्पताल भिजवाया और आरोपी पति को थाने में ले गई। दरअसल ये मामला कुरेभार थाना क्षेत्र हरोरा बाजार स्थित चतुरी पूर्वा गाँव की है। इसी गाँव की रहने वाली अनिता प्रजापति का विवाह कुछ वर्षों पूर्व हालियापुर के रहने वाले मुकेश प्रजापति से हुआ था, लेकिन विवाह के बाद ही दोनों में खटपट होने लगी, जिसके चलते अनीता वापस अपने मायके आकर रहने लगी। करीब 3 वर्षों से अनीता मायके में रह रही थी। आज सुबह मुकेश अपने ससुराल पहुंचा, इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद मुकेश ने तलवार और चाकू से अनीता अपने ससुर मिठाईलाल साली समेत परिवार के 6 लोगों को लहूलुहान कर दिया। घर वालों की आवाज सुनकर गाँव वाले एकत्रित हुए और वहां की घटना देखकर दंग रह गए। आनंद फानन में ग्रामीणों ने किसी तरह मुकेश को पकड़कर पेड़ से बांध दिया और पुलिस को सूचना दी। फिलहाल सभी घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूरे भार में चल रहा है, जहां सभी को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। मिठाईलाल आसाराम प्रजापति जी, ये आज सुबह हमारे यहाँ 7 बजे ही आए। कौन? ये मुकेश कुमार। कौन है? ये हमारे दामाद हैं। ये हमारी बीच वाली लड़की अनीता, उसके साथ इसकी शादी हुई है सर। इनका जो है, हमारी लड़की को सर ये अपने घर पर बहुत मारते थे, पीटते थे, त्रास देते थे, बहुत तकलीफ थी जी। एक डिलीवरी उसके यहाँ हुई, मेरी इसकी बच्ची हुई थी 1 महीने के अंतर्गत, कुछ न कुछ कारणवश वो मर गई वहाँ। ये तांत्रिक विद्या द्वारा उसको मार डाले। हनुमानगढ़ी हनुमान जी की पूजा कर रहे थे, उसे में सूअर के बच्चे का बल दिए और बोले थे इनकी माँ को बार बार, इन मान की बोली हम एक बल और चाहती हूँ। तो उसी रात में दरमियान लड़की इनकी गुजर गई वो जी। इसके बाद कुछ समय के बाद दूसरा बच्चा इनको पेट में आया, तो इन्होंने हमारे यहाँ आई कि अपने बच्चे को यहाँ, मतलब कि पैदा हो गया बच्चा मेरा। तो इन्होंने जो है कि बार बार आते थे, बार बार तकलीफ देते थे, मारने पीटने की धमकी देते थे। बाद में एक दो बार आए, बोले सबको मार डालूंगा, कफन पहला दूंगा। हमका भैया ऐसा नहीं होगा कि अपने घर से जो है कि 2 बोलेरो भर करके ठाकुर ब्राह्मण और 2-4 आदमी को सगे संबंधी को ले करके हमारे घर पर आए थे। उसमें बातचीत हुई तो लड़की ने से बयान लिया गया तो लड़की ने बोली कि सारी दास्तान बताई। तो उन लोग जी, आज का मामला सुबह 7 बजे हम के पहले हमारे घर पर घुस आई है और हमारी बड़ी लड़की बर्तन मांज रही थी सर ये, और हम जानवर को चारा दे रहे थे, तो ये इतने में घुसे उसको मारना शुरू कर दिए। हमारे ये मिसेज बच्चे हमारे जो है तपता ताप रहे थे, तो दौड़े सभी लोगों ने दौड़ करके उनको पकड़ा। जब पकड़ने लगे तो तलवार सबको मारना शुरू कर दिया, हमको घसीट करके ले गए, तो नाले में गिरा दिए। कितने बजे सुबह का मामला है ये? 7 बजे सुबह का मामला सर है। कुछ कारण निकल के आया काहे, मतलब इस तरीके से? काफी कितने दिन से आपकी बिटिया रह रही थी? लगभग 3 साल से हो गया सर। अच्छा, 3 जी, साल जी जी हाँ। कितने लोग घायल किया है? 6 लोगों को मारा हमारे। आपने पुलिस को सूचना दी थी? जी जी हाँ, पहले हमारे केस चल रहा सर, ये FIR हमारे यहाँ जी हाँ, हाँ जी जी केस चल रहा है। तलाकनामा का भी है और FIR हमारे धमकी दे गए थे, उसका FIR दर्ज करवा दिया सर। अच्छा,